Good morning students. Today we will start exercise 7.4 of chapter 7 fractions. So in the previous video we have exercise 7.4 ke question 2 tak discuss kar liye the. And this video we will discuss the remaining questions. To start karte hain question number 3 se. Make 5 more pairs and put the appropriate sign. Hame kya karna hai? 5 pairs banane hain. Theek hai? Fractions ke and then unke beech mein comparison karna hai. और कंपेयर करके जो उनके बीच में एप्रोप्रिएट साइन यूज होगा वो लगाना है. यही का यही काम हमने क्वेश्चन सेकंड में किया था जिसमें हमको फ्रैक्शंस को कंपेयर करना था और अगेन उनके बीच में साइन एप्रोप्रिएट साइन का यूज करना था. उसमें हमें फ्रैक्शंस गिवन थे और हमें सिर्फ कंपैरिजन करना था. पर क्वेश्चन नंबर 3 में हमें फ्रैक्शंस भी खुद से लिखने हैं और फिर उनका कंपैरिजन करके फाइंड आउट करना है कि व्हिच वन इज ग्रेटर एंड व्हिच वन इज स्मॉलर. तो स्टार्ट करते हैं. सबसे पहले पेयर हमने लिया 5 डिवाइडेड 8 एंड 6 डिवाइडेड 8 का. ठीक है, सो 5 डिवाइडेड 8 एंड 6 डिवाइडेड 8 में से कौन सा बड़ा है कैसे पता चलेगा? डिनोमिनेटर चेक करते हैं. दोनों के डिनोमिनेटर सेम है. जब डिनोमिनेटर सेम हो जाते हैं तो हम कंपैरिजन किस में करते हैं? न्यूमरेटर में. तो न्यूमरेटर में कंपैरिजन करेंगे 5 और 6 में से कौन बड़ा होता है? 6 बड़ा है. तो कौन सा फ्रैक्शन ग्रेटर हो गया हमारा? 6 डिवाइडेड 8. एक पेयर हमारा हो गया 5 डिवाइडेड 8 which is lesser than 6 divided 8. Then second pair हमने लिया 5 divided 8 का और 2 divided 8 का. Again हमने क्या करा, इसका denominator को same रखा. Denominator दोनों के क्या है? 8 8. दोनों के denominator same है तो उस case में क्या होगा? Numerator में comparison होता है. Numerator में comparison करेंगे तो 5 और 2 में से कौन greater है? 5. तो कौन सा fraction greater हो गया हमारा? 5 divided 8. Then हमने third pair लिया है 6 डिवाइडेड 13 का और 6 डिवाइडेड 18 का. जो थर्ड पेयर हमने लिया है उसमें हमने डिनोमिनेटर को डिफरेंट रखा है. ठीक है, पहले दो पेयर्स में हमने डिनोमिनेटर को सेम रखा था, थर्ड पेयर में हमने डिनोमिनेटर को डिफरेंट रखा है और न्यूमरेटर को सेम कर दिया. और ये कंडीशन भी हम पढ़ के आ चुके हैं कि जब न्यूमरेटर सेम हो जाते हैं तो हम कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं कि उनके बीच में कंपैरिजन कैसे करते हैं. तो देखो, हियर द न्यूमरेटर आर सेम सो द फ्रैक्शन हैविंग लेसर डिनोमिनेटर. विच वन? किसका लेसर डिनोमिनेटर है? 13. 13 और 18 में से वैल्यू कौन सी कम है? 13 कम है. सो द फ्रैक्शन हैविंग द लेसर डिनोमिनेटर विल बी द हाईएस्ट. क्या होगा? फ्रैक्शन. तो ये वाला फ्रैक्शन हमारा क्या हो गया? हाईएस्ट. तो ये वाला केस इसमें लगता है जब न्यूमरेटर सेम हो जाते हैं और डिनोमिनेटर डिफरेंट हो जाते हैं. देन सेकंड फोर्थ पेयर हमने लिया 5 डिवाइडेड 25 का एंड 3 डिवाइडेड 25 का. अगेन हमने क्या करा, इसका डिनोमिनेटर को सेम कर दिया. तो जब डिनोमिनेटर सेम हो गया तो कंपैरिजन डेफिनेटली किस में होना है? न्यूमरेटर में होना है. तो 5 और 3 में से कौन बड़ा है? 5 बड़ा है. तो कौन सा फ्रैक्शन ग्रेटर हो गया हमारा? 5 डिवाइडेड 25. देन लास्ट एक हमको 5 पेयर बनाते हैं, लास्ट फिफ्थ पेयर हमने बनाया है 9 डिवाइडेड 50 का एंड 9 डिवाइडेड 45 का. इसमें भी हमने क्या करा है? न्यूमरेटर को सेम करा है और डिनोमिनेटर्स को डिफरेंट कर दिया. तो जब हमने डिनोमिनेटर को डिफरेंट करा और न्यूमरेटर सेम हो गए तो अगेन इस कंडीशन में क्या होगा कि जब न्यूमरेटर सेम हो जाते हैं सो द फ्रैक्शन हैविंग द लेसर डिनोमिनेटर, वो फ्रैक्शन जिसका डिनोमिनेटर छोटा होता है, ठीक है, विल बी द हाईएस्ट फ्रैक्शन. वो ही क्या होता है? हमारा हाईएस्ट फ्रैक्शन होता है. तो इस केस में कौन है हमारा हाईएस्ट फ्रैक्शन? 9 डिवाइडेड 45. तो ये क्या हो गए हमारे? 5 पेयर्स हो गए फ्रैक्शंस के और उनके बीच में हमने एप्रोप्रिएट साइन का यूज करा. हमें जो चीज़ याद रखनी है वो ये याद रखनी है कि जब डिनोमिनेटर सेम होते हैं तो हम कंपैरिजन न्यूमरेटर में कर देते हैं, पर अगर जब डिनोमिनेटर डिफरेंट होते हैं और न्यूमरेटर सेम है तो उस कंडीशन में हम क्या करते हैं? जो डिनोमिनेटर, जिस डिनोमिनेटर में लेसर, जो फ्रैक्शन में लेसर डिनोमिनेटर होता है वही हमारा हाईएस्ट क्या होता है? हाईएस्ट और ग्रेटेस्ट फ्रैक्शन होता है. जो इस एक्सरसाइज में हमें ध्यान रखने वाली बात है वो क्या है? इस चैप्टर में हम बेसिकली करना क्या चाह रहे हैं, हमें फ्रैक्शंस के पेयर्स गिवन हैं और हम उनके बीच में कंपैरिजन करना चाह रहे हैं. ठीक है, तो कंपैरिजन के दो इंपॉर्टेंट रूल हैं. ठीक है, जब आपका पहला क्या है कि जब आपका डिनोमिनेटर सेम हो रहा है तो उस केस में आप कंपैरिजन करते हो न्यूमरेटर वाले पार्ट में. न्यूमरेटर वाला पार्ट कौन सा होता है? ऊपर वाला पार्ट. ऊपर वाले पार्ट को हम न्यूमरेटर कहते हैं और नीचे वाले को हम डिनोमिनेटर कहते हैं. तो जब आपका डिनोमिनेटर सेम हो जाता है तो उस केस में फ्रैक्शन जिसमें ग्रेटर न्यूमरेटर होगा, ठीक है, वो क्या हो जाएगा? हमारा हाईएस्ट हो जाएगा. सो व्हेन द डिनोमिनेटर आर सेम सो द फ्रैक्शन हैविंग ग्रेटर न्यूमरेटर इज द हाईएस्ट. अगर हमने यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल लिए 2 डिवाइडेड 8 और 4 डिवाइडेड 8, इसमें क्या है कि दोनों के डिनोमिनेटर नीचे वाले पार्ट सेम है
वैल्यू हमारी ग्रेटर हो गई 4/8, ठीक है। ये तो था जब डिनोमिनेटर सेम होते हैं, पर अगर डिनोमिनेटर क्या हो जाए, डिफरेंट हो जाए और ऊपर वाला पार्ट न्यूमरेटर हमारा सेम हो जाए, तो उस कंडीशन में हम कंपैरिजन कैसे करेंगे। सो व्हेन द न्यूमरेटर आर सेम, सो द फ्रैक्शन हैविंग लेसर डिनोमिनेटर विल बी द हाईएस्ट। तो उस केस में क्या होगा कि जब हमारे न्यूमरेटर सेम हो चुके हैं, ऊपर वाला पार्ट हमारा सेम हो चुका है, तो डिनोमिनेटर नीचे वाले पार्ट में हमें चेक करना है कि किसकी कौन सा डिनोमिनेटर लेसर है, छोटा है। 25 और 30 में से छोटा कौन है, 25, तो इसका मतलब 9/25 हमारा क्या है, ग्रेटर फ्रैक्शन है, ठीक है। नाउ लेट्स कम टू द क्वेश्चन नंबर 4। लुक एट द फिगर एंड राइट ग्रेटर स्मॉल इक्वल्स बिटवीन द गिवन पेयर्स ऑफ फ्रैक्शंस। अगेन हमें क्या दे रखा है, पेयर्स ऑफ फ्रैक्शंस दे रखे हैं, हमें उनको देखते हुए क्या करना है, हमें इसमें अप्रोप्रिएट साइन का यूज करना है। तो हमारे पास फर्स्ट पेयर है 1/6, गिवन बॉक्स है जिसमें हमें पेयर क्या करना है, साइन का यूज करना है, देन 1/3, ठीक है। तो अगर हम देखें तो 1/6 और 1/3 में क्या है, 1 और 1 दोनों का जो न्यूमरेटर है वो सेम है, और हम पढ़ के आ चुके हैं कि जब न्यूमरेटर सेम हो जाते हैं तब हम डिनोमिनेटर को चेक करते हैं। तो डिनोमिनेटर में जिस डिनोमिनेटर को देखते हैं कौन सा डिनोमिनेटर छोटा है, तो 6 और 3 में से छोटा कौन सा डिनोमिनेटर है, 3 है, तो इसका मतलब 1/3 क्या हो गया, हमारा ग्रेटर हो गया, ठीक है। उसी तरह से सेकंड पेयर हमें दे रखा है 3/4 का एंड 2/6 का, ठीक है। अब इसमें क्या है, अगर न्यूमरेटर हम चेक करें तो 1 का 3 है, 1 का 2 है, सेम नहीं है। उसी तरह से डिनोमिनेटर चेक करें तो 1 4 है 1 6 है, अगेन दोनों सेम नहीं है। तो सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, डिनोमिनेटर को सेम बनाना पड़ेगा। तीसरा केस हमारे पास ये बनता है कि जब हमारे पास न्यूमरेटर भी सेम नहीं होते और हमारे पास डिनोमिनेटर भी सेम नहीं होते, तो उस केस में हम डिनोमिनेटर को सेम बनाते हैं, कॉमन लाते हैं, ठीक है। फिर जब वो कॉमन आ जाएंगे तो उसके बाद हम न्यूमरेटर में कंपैरिजन करते हैं। तो सबसे पहले हम डिनोमिनेटर को सेम बनाएंगे, 4 और 6 का एलसीएम लेंगे, 4 और 6 का एलसीएम कितना आएगा, कॉमन मल्टीपल क्या आएगा, 12, तो 12 आ गया, ठीक है। अब देखो 4 की टेबल में 12 कितने टाइम्स आता है, 3 टाइम्स, तो 3 को किससे इंटू करेंगे हम, 3 से, ठीक है। उसी तरह से 6 की टेबल में 12 कितने टाइम्स आएगा, 2 टाइम्स, तो ऊपर वाले 2 को किससे इंटू करेंगे, 2 से। तो देखो 3 3 कितना होता है हमारा 9 और 2 2 कितना होता है हमारा 4। हमने एलसीएम कितना लिया था, 12, तो दोनों के नीचे 12 आएगा, 4 और 6 क्यों नहीं आएगा, क्योंकि हम एलसीएम ले चुके हैं। अब 4 और 6 के बजाय क्या आएगा, 12 और 12, हमें नीचे डिनोमिनेटर को सेम बनाना था इसलिए तो हमने एलसीएम लिया था, इसलिए अब दोनों के नीचे आ गया 12 12, ठीक है। अब देखो अब जिनके डिनोमिनेटर सेम हो चुके, जब डिनोमिनेटर सेम हो जाते हैं तब हम न्यूमरेटर में कंपैरिजन करते हैं, तो 9 और 4 में से कौन बड़ा है, 9 बड़ा है, तो कौन सा फ्रैक्शन बड़ा हो गया, 9/12। नाउ सी पेयर से क्या गिवन है, 2/3 देन 2/4, ये दो पेयर गिवन है। अगर इन पेयर्स को हम ध्यान से देखें तो अगेन इसमें क्या है, न्यूमरेटर सेम हो गए, ऊपर वाला पार्ट सेम हो गया, इसमें 2 इसमें 2, डिनोमिनेटर क्या हो गए, डिफरेंट हो गए। अगेन हम पढ़ के आ चुके हैं कि जब न्यूमरेटर सेम हो जाते हैं, डिनोमिनेटर डिफरेंट हो जाते हैं, तो वो फ्रैक्शन जिसमें डिनोमिनेटर की वैल्यू कम होती है वो हमारा क्या हो जाता है, ग्रेटेस्ट हो जाता है। तो अगर हम डिनोमिनेटर को चेक करें तो यहाँ पर है 3, यहाँ पर है 4, 3 और 4 में से लेसर वैल्यू किसकी है, डिनोमिनेटर की, 3 की, 3 छोटा है 4 से, ठीक है। तो कौन सा फ्रैक्शन हमारा ग्रेटेस्ट हो गया, 2/3, तो साइन किसकी तरफ लगेगा, 2/3 की तरफ, ठीक है। देन डी को देखें तो 6/6 एंड 3/3, जो दो पेयर हमें गिवन है वो किसके किसके हैं, 6/6 एंड 3/3, ठीक है। तो न्यूमरेटर भी सेम है, ठीक है, एंड डिनोमिनेटर भी सेम है, दोनों न्यूमरेटर सेम है, दोनों डिनोमिनेटर सेम है, तो जब सेम वाली बात आ जाती है तो कौन सा साइन का यूज करते हैं हम, इक्वल्स टू। तो डी वाले केस में हम कौन सा साइन यूज करेंगे, इक्वल्स टू का, ठीक है। देन लास्ट ई, अगेन जो पेयर हमें गिवन है वो कितने हैं, 5/6 एंड 5/5 का। पहले न्यूमरेटर चेक करते हैं तो इसमें भी 5, इसमें भी 5, दोनों के न्यूमरेटर क्या हो गए, सेम हो गए, और डिनोमिनेटर डिफरेंट हो गए। ये केस हम बार बार पढ़ के आ चुके हैं कि जब न्यूमरेटर सेम है तो वो फ्रैक्शन जिसका डिनोमिनेटर लेस
लेसर है वो हमारा ग्रेटेस्ट क्या हो जाता है, फ्रैक्शन होता है। तो अगेन क्या होगा, डिनोमिनेटर में देखते हैं तो डिनोमिनेटर में सबसे कम वैल्यू किसकी है, फाइव की। फाइव और सिक्स में छोटा है फाइव, तो कौन सा फ्रैक्शन हमारा ग्रेटर हो गया, फाइव डिवाइडेड फाइव। ठीक है, सो यहाँ पर हमारा क्वेश्चन बोर्ड खत्म होता है। नेक्स्ट वीडियो में हम आगे भी क्वेश्चन डिस्कस करेंगे।